अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ कज़ीन्स की तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। और आप लोग देख सकते हैं कि लाहौर का मौसम कितना अच्छा हुआ है। आज तो बहुत ही अच्छा मौसम था और बारिश भी होती थी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक आज व्लॉग शेयर किया जाए, जिसमें हमारी रमज़ान की प्रिपरेशन भी होगी और डिशेज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलें अब हम लोग देखते हैं जाके किचन में कि मामा क्या कर रही हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैं किचन में आ चुकी हूँ और मामा जो हैं अभी रमज़ान की तैयारी कर रही हैं। तो मामा से पूछ रहे हैं कि वो आज क्या क्या डिशेज जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगी। जी मामा बताइए। मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं इसमें फ्रूट चाट बना रही हूँ और चिकन पकौड़ा भी बना रही हूँ। स्प्रिंग रोल्स मैंने बना लिए हैं मैं, और इसके अलावा आलू गोश्त ही बनाऊँगी क्योंकि इफ्तारी में इतना कुछ तो खाया नहीं जाता। ये मैंने फ्रूट्स काटे हुए हैं अपनी पसंद के, आप फ्रूट्स ले लें। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। और मैंने लिया जी एप्पल है, बनाना है और क्या मैंने लिया है, अमरूद भी लिया है। और इसमें थोड़े से मैं चने ऐड करूँगी और मैंने ये खजूरें थोड़ी सी काट ली हुई हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हमारे घर में ये लाइक किया जाता है खजूरें कटी हुई फ्रूट चाट पे। और इसमें थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के करीब मैं चीनी भी ऐड करूँगी। बच्चे हैं वो ज़रा थोड़ी सी चीनी लाइक करते हैं, ज़रा मीठी हो जी, इसलिए हम खा लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ चले फ्रूट्स जाएँ सही उनके अंदर, किसी तरह वो खाएँ। और इसके अंदर मैं 1 कप जो है ना वो ऑरेंज जूस भी ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ी जूसी सी बन जाए। और इसके अलावा क्या डालूँगी जी, मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक ही ऐड करूँगी और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। मैंने 4 मसाला नहीं मैं ऐड करी, सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर। और इसको हम मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ज़बरदस्त सी रेडी हो जाए, ठंडी हो जाएगी और फिर ये मज़े की लगेगी इफ्तारी में। और आप लोग अपनी कोई सी भी मर्जी का फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मर्जी आप जो आप लाइक करते हैं। मेरे घर में तो ये ज़्यादा लाइक किया जाता है ना, बच्चे सारे आप लोग यही खाते हैं तो मैं इसलिए यही ऐड कर रही हूँ। तो वैसे जो जिसका दिल चाहे अपने मर्जी के फ्रूट्स ऐड करें। और आप लोग थोड़ी जूसी भी लाइक करते हो तो इसलिए मैंने ऑरेंज जूस भी ऐड कर लिया हुआ है। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है, इसका कोई इशू नहीं है। अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है, मिक्स करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे और ये जो है ना ठंडी भी हो जाएगी और मज़े की हो जाएगी और रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? और इसके साथ जी मैं बना रही हूँ चिकन पकौड़ा, उसकी रेसिपी भी मैं आपको देती हूँ साथ। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने चिकन पकोड़े के लिए जो है वो पैन में चिकन डाल लिया है। अब आपके साथ मामा ये चिकन पकोड़े की रेसिपी शेयर करेंगे। हाँ जी, तो चिकन पकोड़े के लिए जो है ना वो मैंने चिकन लिया है ना, ये तकरीबन है मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, मिर्च वगैरह, कोई स्पेशल मसाला नहीं इसके अंदर जाता। नमक डाल रही हूँ, मिर्च डाल रही हूँ, ये मैंने हड्डी समेत ली है। इसको थोड़ा सा ना मैं जो है ना हाफ कुक करूँगी, हाफ से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाए लेकिन इतना कुक मत कीजिए कि वो हड्डियाँ अलग हो जाए। ये देखिए मैंने इसमें डाला है नमक, 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच सूखा धनिया। अब इसमें मैं थोड़ा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना वो सिरका ऐड करूँगी। और इसके अंदर जाएगा 1/2 कप पानी। अब मैंने इसमें ये 1/2 कप पानी डाल दिया और इसको तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट के लिए रखूंगी ताकि ये रेडी हो जाए। फिर इसको हम इसका बेसन बनाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अब मैं बताती हूँ कि इसका बेसन कैसे बनाऊंगी। अब इसको मैं कवर कर दूंगी 20 मिनट बाद इंशाल्लाह। तो चिकन जो है वो हमने कुक होने के लिए रख दिया है, जब तक हमारा चिकन कुक होता है तब तक हम लोग सॉरी बीच में कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मुझे वीडियो को रोकना पड़ा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारा चिकन जो है वो कुक हो रहा है। तो अब आपके साथ चिकन पकोड़े की जो बेसन की है ना वो रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो अब हम बेसन के लिए जो है ना आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें। ये मैंने बेसन ले लिया 2 कप और इसके अंदर मैं डालूंगी सुरख मिर्च पिसी थोड़ी सी और इसके अंदर मैं डालूंगी ये कुटी मोटी कुटी दड़ल मिर्च होती है 1 से 1.5 स्पून वो डालूंगी, खुश्क धनिया डालूंगी, इसमें मैं साबुत जीरा जो है वो भी ऐड करूंगी, साबुत जीरा और नमक जाएगा
ये मसाले नमक मिर्च जो है ना, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। अब इसके अंदर मैं एक अंडा ऐड करूंगी और इसको हम जो है ना वो मिक्स करेंगे। अब इसका एक बैटर बना लेंगे, इतना थिक बैटर नहीं बनाना, पतला सा बैटर बनाना है जिसके अंदर हम चिकन को डिप करेंगे और फिर इसको फ्राई करते जाएंगे। जी देखिए हमारा बेसन जो है ना वो रेडी हो गया है। ये इस तरह का बेसन होना चाहिए चिकन फ्राई करने के लिए। तो मैंने सोचा जब तक हमारा चिकन जो है कुक होता है तो हम लोग अपनी ड्रिंक्स रेडी कर लेते हैं, और रमज़ान में ज़्यादातर ड्रिंक्स यही होती हैं, रूह अफ़ज़ा हो गया, लेमन जूस हो गया और दूध सोडा वगैरह इस तरह। तो अब हम लोग बना रहे हैं नींबू पानी, तो उसमें मैं पहले शुगर ऐड कर दूँगी। मैंने शुगर ऐड कर दी इसमें सारी। अब हम इसमें अपना सॉल्ट डाल लेते हैं। ये 2 क्यूब्स जो है वो मैंने लेमन के लिए। अब हम इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेते हैं जब तक ये चीनी जो है इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाती। तो ये हमारी शुगर जो है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गई है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और हमारी ये जो यमी सी एक ड्रिंक जो है वो रेडी हो गई है। इस तरह खोल दिया। तो ये हमारा लेमन जूस रेडी हो गया। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये अच्छा सा चिल हो जाए और जब पिए तो बहुत मज़ा आए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन पकौड़े का चिकन था वो अच्छी तरह कुक हो चुका है। तो अब हम लोग साथ मामा से पूछते हैं कि वो क्या कर रही हैं। मामा ने साथ फ्राइंग आइटम स्टार्ट किए। तो ये आप चिप्स क्यों फ्राई करी मामा? ये इससे भी आप सबको पसंद भी होता है, और दूसरा ये चिकन पकौड़ा जो बना है तो उसको गार्निश वगैरह भी कर लेंगे। और ये मेरे चिप्स रेडी हो गए। आप चिकन मेरी तरफ ले आए, मैं आपको बताती हूँ चिकन को हम किस तरह फ्राई करेंगे, तो वो हमारा चिकन पकौड़ा भी रेडी हो जाएगा। तो अब हम लोग अपने चिकन पकौड़ा को जो है वो फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मामा जो है चिकन को बेसन के अंदर डिप कर रही हैं और साथ फ्राई करती जाएंगी। इस तरह हमने बेसन लगाना है, ज़्यादा थिक ना हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन पकौड़ा बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। तो व्यूअर्स ये देखें हमारा अफ्तारी का दस्तरखान जो है वो लग चुका है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए हमारा ये छोटा सा अफ्तारी का व्लॉग था जो हम लोगों ने चाहा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी इसी तरह की रेसिपीज़ और अफ्तारी का व्लॉग आप लोग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा वीडियोस को। अगेन दुआ कुज़ेंस की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक, और अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।